हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक में हम जानेंगे कि कंडेंसर का अप्रोच कैसे निकालते हैं और अपना इवेपरेटर जिसे चिलर भी बोला जाता है, वो चिलर के अप्रोच कैसे निकालते हैं। तो आज हमने एक वाटर कूलर चिलर लिए हुए हैं और उसका अप्रोच निकाल के आपको हम दिखाएंगे और अप्रोच क्यों निकाला जाता है वो भी आपको बताएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कूलिंग टावर का अप्रोच कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अदरवाइज आज का ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को बिना भगाए मतलब बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक देखें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए, कंडेंसर अप्रोच एंड एवोपरेटर अप्रोच जिस तरह से हम लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले ये हमने कंडेंसर का एक फिगर बना दिया है, यहाँ पे एक पिक्चर बना दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कंडेंसर का अप्रोच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सेचुरेशन टेम्परेचर एंड लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंडेंसर है, कंडेंसर में ये आपका जो है डिस्चार्ज लाइन, इधर से जो है ये लाइन जो है डिस्चार्ज लाइन रेफ्रिजरेंट, इसमें कंडेंसर में जो इंटर करता है डिस्चार्ज लाइन डिलीवरी लाइन जिसको बोला जाता है। तो इस जगह पे जो प्रेशर का स्टेटस होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सैचुरेटेड वेपर रहता है, तो पूरा फुल वेपर को हम रेड से इंडिकेट कर दिए हैं और ये जैसे जैसे चलता है तो उसके बाद कंडेंसिंग मीडियम के जरिए जो इसका एयर है तो एयर के जरिए वाटर थोड़ा देती है, यहाँ पर वाटर कूल्ड है तो वाटर कूल्ड के जरिए ये जो है रेफ्रिजरेंट जो है अपना गर्मी को हीट को बाहर निकालता है। तो अभी यहाँ पर देखिए वो हीट को निकालने के बाद में यहाँ पर इसका नीचे लिक्विड लाइन में लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड को इस तरह से मेंशन कर दिए हैं, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का हम सेचुरेशन टेम्परेचर निकालेंगे। तो इसका देखिए पहले इसमें वाटर जो इनलेट आ रहा है कूलिंग टावर से टू कूलिंग टावर से टेम्परेचर आ रहा है पानी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो फारेनहाइट में 86 डिग्री फारेनहाइट है, और ये यहाँ से कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट है रेफ्रिजरेंट का हीट लेते हुए ये पानी को गर्म कर लेता है और गर्म करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, 96.8 डिग्री फारेनहाइट में हो गया। ओके, ये हमारा इसका हीट लेने के बाद होता है। तो कूलिंग टावर से जो पानी आया इसका हीट लेते हुए यहाँ पे अपने आप को ये इंक्रीज कर लेता बढ़ा लेता है। अभी यहाँ पर हम एक नॉर्मल ये करने, अभी यहाँ पर देखिए एक हम ये लिए हुए हैं प्रेशर R134 एक गैस है, ये वाटर कूलर R134 एक गैस है, इसका जो प्रेशर है 120 PSI हम लिए हुए हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो सेचुरेशन टेम्परेचर जो है 98.0 डिग्री फारेनहाइट है और सेंटीग्रेड में 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, ये हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट का सेचुरेशन टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होता है, सभी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होता है जिसको आप उसको देख करके उसके बाद ही निकाल सकते हैं। तो अगर वो आपके पास अगर पेपर है तो ओके, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सभी रेफ्रिजरेंट का मिल जाएगा। तो प्रेशर टेम्परेचर चार्ट से हम जब निकाले तो 98.0 डिग्री फारेनहाइट इसका निकला। ओके, अभी ये तो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर निकल गया, अब इसका जो कंडेंसर अप्रोच निकालने का जो फॉर्मूला है लिक्विड रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है 98 डिग्री फारेनहाइट। ओके, अब उसके बाद माइनस लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर, लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर मतलब कि ये कंडेंसर पूरा ये करते हुए प्रोसेस करते हुए जो आउट पानी होता है कूलिंग टावर में जाने के लिए वो पानी को लिविंग वाटर टेम्परेचर भी बोला जाता है और वाटर आउटलेट भी इसको बोलते हैं। तो ये लिविंग वाटर टेम्परेचर भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन जब इसको फारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 96.8 डिग्री फारेनहाइट इसका हो जाएगा। तो अभी यहां पर हम देखिए 98 डिग्री फारेनहाइट लिक्विड रेफ्रिजरेंट का ले लिए हैं यहां पे,
और माइनस लिविंग कंडेंसर वाटर, लिविंग कंडेंसर वाटर टेम्परेचर मेरा कितना है 96.8 में से 96.8 को जब घटाएंगे तो 1.2 डिग्री फारेनहाइट हमारा बच जाएगा। तो हमारा अप्रोच कितना होना चाहिए, हमारा 0 से 4 डिग्री फारेनहाइट के बीच में अप्रोच होना चाहिए। सेंटीग्रेड में जो है हमारा 0 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमारा अप्रोच होना चाहिए। ये हो गया सेंटीग्रेड में भी आप निकालेंगे तो सेम वैसा ही निकल जाएगा। तो हम एक फारेनहाइट में निकाल दिए, दूसरा हम उधर सेंटीग्रेड में निकाल देंगे एवोपरेटर का। तो ये हमारा कंडेंसर अप्रोच निकालने का ये तरीका था। और उसके बाद हम इधर में अब निकालते हैं एवोपरेटर का ये। अच्छा, ये अप्रोच क्यों, कैसे अप्रोच से क्या मालूम चलता है, अप्रोच से हमारा मालूम चलता है कि हमारा मशीन कितना परसेंट एफिशिएंसी में काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अप्रोच अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि कुछ इनसाइड प्रॉब्लम है, जैसे इसके अपना ट्यूब के अंदर स्केल आ जाता है, फिर उसके बाद अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट कुछ इसके अंदर होता है, फिर कैल्शियम वगैरह हो जाता है, मिनरल जमा हो जाता है, तो देखिए उनके अंदर काई वगैरह हो जाता है, तो क्या होता है कि हीट अच्छा से ट्रांसफर नहीं कर पाता है, तो इसके लिए करके जो है अप्रोच हमारा बढ़ जाता है। तो वो चीज को हमको देखना है कि हमारा कितना परसेंट एफिशिएंसी में काम कर रहा है। अभी हम एवोपरेटर के बारे में जानेंगे। ओके, एवोपरेटर के लिए देखिए यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं सेम प्रोसेस है। एवोपरेटर में क्या करना पड़ता है, एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर अप्रोच। ओके, एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या है, एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमको क्या है, सक्शन लाइन का प्रेशर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर मालूम हो रहा था, यहाँ पे सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर मालूम करने के बाद हम उसका सेचुरेशन टेम्परेचर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको सक्शन लाइन का टेम्परेचर, तो सक्शन लाइन का टेम्परेचर मान लीजिए 40 PSI है, एक हम वैल्यू ले लिए हैं, वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा सिस्टम के पास। यहाँ पर एक वैल्यू हम ले लिए 40 PSI जी, एक स्टैंडर्ड के तौर पर, अदरवाइज यहाँ 120 हम ले लिए हैं डिस्चार्ज का। सक्शन प्रेशर 40 PSI का जब आप प्रेशर टेम्परेचर चार्ट पे देखेंगे तो उसमें आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर उसका दिखाएगा 45 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और सेंटीग्रेड में 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हमको क्या करना है, एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है, एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है हमारा 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब उसके बाद लिविंग चिल्ड वाटर टेम्परेचर कितना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो चिल्ड वाटर जो अपना ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है HU से रिटर्न जो है टू HU से जो रिटर्न आ रहा है ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, फिर जब ये चिलर जो है अपना इसको रेफ्रिजरेंट के जरिए ठंडा करते हुए इसको 7 डिग्री आउट कर रहा है, तो जो 7 डिग्री लिविंग के साथ है जो आउट कर रहा है उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 7 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 44.6 है सेंटीग्रेड में हम इसको निकाल रहे हैं, तो 7.2 माइनस 7 डिग्री मतलब 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अप्रोच निकल गया, मतलब बहुत अच्छा एफिशिएंसी है। तो इसका 0 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको रखा जाता है अप्रोच को, ये अपना एवोपरेटर को, और फारेनहाइट में 0 से 2 डिग्री फारेनहाइट में रखते हैं। अगर फारेनहाइट में अगर इसको निकालना हुआ तो अभी देखिए 45 डिग्री फारेनहाइट इसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, और माइनस कितना हो जाएगा लिविंग चिल्ड वाटर का अपना 7 डिग्री सेंटीग्रेड का, जब आप फारेनहाइट में कैलकुलेट करेंगे तो 44.6 निकलेगा, तो 44.6 निकाले इस हिसाब से 0.4 डिग्री फारेनहाइट हमारा ये निकल गया अप्रोच। ओके, ये हमारा फारेनहाइट में निकल गया। तो इस तरह से आप कंडेंसर का और एवोपरेटर का आप अप्रोच निकाल सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस मालूम कर सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे समझ नहीं आया, किसी तरह से डाउट अभी लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें कि उन्हें भी बेनिफिट हो, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा नोटिफिकेशन। और हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इस तरह का HVAC से रिलेटेड, चिलर एंड स्प्लिट पैकेज, एवरीथिंग एयर कंडीशन से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था बस इसका था, और कूलिंग टावर के अप्रोच का पीछे वीडियो देखें, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं उस वीडियो में हम मेन डेल्टा स्टार का कनेक्शन कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों आपको बताएंगे, तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा।
चलें, फिर अपना ख्याल रखें।